मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से कल रात में खबर हमने आपको बताई कि जो कोकण नगरी और स्वास्तिक निवास है इसके बीच के जो नाला है उसके लग करके एक रास्ता है वो किस तरीके से धंसा और उसके बाद जो काम यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने लिया विष्णु तिवारी उनका काम जो है वो सराहने लायक है। हमने आपको इससे पहले की खबर में बताया कि हनुमान नगर में जो हादसा हुआ था सेम ऐसे ही हादसा था लेकिन एक हफ्ता हो चुका है उस हादसे को और अभी तक किसी भी तरीके का जो काम में तेज़ी है वहाँ पर नहीं आई और जबकि वहाँ का टेंडर कॉपी ऑर्डर जो है निकल चुका है लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ का यूसुफ भाई का कॉन्ट्रैक्ट और विष्णु तिवारी का कॉन्ट्रैक्ट ये कितना फ़र्क है आप देख सकते हैं ज़मीन आसमान का और काम की तेज़ी जो है लगभग होते हुए नज़र आ रही है। तमाम प्रयास यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है मोरेश की ने वो रात से लगे हुए और तमाम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जितना हो सके जल्द से जल्द अपने घरों पर सुरक्षित रखें क्योंकि लोग जो है एक एक खून पसीने का पैसा कमाकर घर लेते हैं छत लेते हैं लेकिन ऐसा हादसा हो जाता है तो वो रात भी रात बेघर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अब जो है काम में आपको हम दिखा रहे हैं कि तेज़ी यानी आप सोच सकते भ्रष्टाचारी एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर भी दिखा है कि एक हफ्ते से जो लगातार जो धंसा हुआ हादसा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ और इस स्वास्तिक निवास और कोकण नगरी के बीच का जो हादसा है ये लगभग होते हुए नज़र आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही मनपा प्रशासन की लापरवाही की वक्त पर सर्वे ना करना ये सबसे बड़ी इसमें जो है वजह निकल करके आई है। मुमरा ठाकुरपाड़ा में जो हादसा कल रात को हुआ उस हादसे के बाद लगातार काफ़ी अच्छे से कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना काम कर रहे हैं और लगभग जो है काम हालांकि पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। तो इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे मोरेश भाई रात से ही लगे हुए थे। मोरेश भाई लोगों की इतना चिंता क्यों है इलेक्शन की वजह से या आपको सच में बोला? अरे लोग इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन इंसानियत भी बड़ा धर्म है तो इंसानियत के नाते हमने इतने लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए मेहनत चल रही है। लोगों का सपना रहता है कि घर रहे खुद का आदमी का घर खुद का रहे तो इंसान एक वक्त की रोटी खाते गुजारा करता है लेकिन वो घर बचाने के लिए कोशिश चालू है और लोगों को या सही सलामत रहे इसके लिए हमारी कोशिश चालू है। आज हमारे आमदार जितेंद्र आवाड़ साहब इन्होंने भी दौरा किया बाईपास पे जो नाला बाईपास से आता है वहाँ जो पूरा चौक अप हुआ था वहाँ पोकलन लगा के गोसावी साहब सालुन के साहब और मैं खुद था और आवाड़ साहब आए थे उन्होंने दौरा करके वहाँ से कमिश्नर को फ़ोन किया और बोले कि ये नाले के लिए मेरे को जल्द से जल्द बजट दो। उन्होंने बोला गोसावी साहब को प्रस्ताव बनाओ और ये बजट मैं जल्द से जल्द देता हूँ और काम तो माशाल्लाह मतलब जोरों में शुरू है जल्द से जल्द लोगों का ऑडिट करके यहाँ लोगों को घर में जाने की परमिशन मिले ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। हालांकि इस पैनल में और भी लोग हैं लेकिन आप जो फुर्ती और रात से लगे हुए हो वो काफ़ी अलग सा लग रहा है कि अपना व्यवहार रख के आप अपना समझ कर आ रहे हो। हमारे बड़े भाई राजन भाई की ने दादा वो भी यहाँ से नगर से उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया बाकी लोगों का जिसके जैसी सोच है वो उनके काम कर रहे हैं हम हमारा काम कर रहे हैं। देखो हम हमारे जो माँ बाप ने हमको सिखाया है कि लोगों की मदद करना गरीब की मदद करना आज से हमारा परिवार ने आज 25 साल से हमारा परिवार लोगों की सेवा कर रहा है और करते रहेगा भले कुछ भी हो। स्वास्तिक निवास में 56 फैमिलियाँ हैं तो इनको वापस घर पर जाने के लिए क्या प्रयास अब तक किया और कब जाएंगे? अभी देखो आपके सामने ही जो नाले का काम मतलब जो खड्डा हुआ था वो लगभग भरने को आया है अगर ये PCC कॉन्क्रीटीकरण हो गया तो उसके बाद हमारे इंजीनियर आएंगे गोसावी साहब आएंगे वो डिसीजन लेंगे कि लोगों को कैसा जल्द से जल्द अंदर जाए। मैं भी उनसे रिक्वेस्ट किया कि लोगों को जल्द से जल्द घर में जाने की परमिशन मिले लेकिन जो भी वो नाले का हाल है वो देखने के बाद ही ये सब डिसाइड होएगा। अच्छा एक आखिरी सवाल कौन है कॉन्ट्रैक्टर और क्या कहेंगे उस काम को लेकर के जो कॉन्ट्रैक्टर विष्णु तिवारी करके है उन्होंने बजट बिजट का कोई इंतज़ार नहीं किया और तुरंत काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए तो मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ और लोगों ने जो यहाँ सहकार्य किया उनका भी करता हूँ। फायर ब्रिगेड हो हमारे TMC के सब साहब लोग हैं गोसावी साहब भी रात के 3 बजे तक यहाँ रुके और सागर सालुन के साहब हो उन्होंने भी इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत मेहनत की और इंशाल्लाह काम को अंजाम देंगे और जो बचा हुआ कोकण नगरी का काम है बिल्डिंग का वो भी जल्द से जल्द शुरू होके उनको भी ऑडिट करके इंजीनियर के हिसाब से वहाँ अंदर रखा जाएगा। स्वास्तिक निवास और कोकण नगरी के पास का जो नाले के ज़मीन धंसने का मामला है इसका कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले विष्णु तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। विष्णु भाई एक हफ्ते पहले जो हनुमान नगर में हादसा हुआ है
एक हफ्ता हो चुका है वो काम और ये काम में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों, आपकी जो तेज़ी क्या क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारे नगर सेवक मोरेश्वर नारायण की ने, उन्होंने खुद खड़े हो गए थे और उन्होंने बोला कुछ भी करके ये काम करना है, वो ना म्यूनसिपालिटी से संबंध, ना TMC, ना बजट, नहीं कुछ नहीं, बिल्डिंग को बचाना है और बिल्डिंग धोखेदायक नहीं थी। ऑडिट रात को ही कराया और रातों रात उन्होंने RMC भी प्रोवाइड कराया, डबर भी प्रोवाइड कराया, लेबर भी प्रोवाइड कराया और उन्होंने तुरंत के तुरंत काम चालू कराया। उनकी मेहनत की वजह से ये बिल्डिंग अभी फिलहाल सेफ है। अच्छा, लगता है कि मतलब वर्क ऑर्डर आपको ना मिला फिर भी आपने इतना मेहनत? ये इसका ना वर्क ऑर्डर है, ना TMC का कोई फंड है, ना कोई कागजात है, ना कुछ है, ये उन्होंने खुद के अपने पर्सनल से कराए। अभी आगे देखते हैं क्या होते, जब पूरा नाला बनेगा तब देखा जाएगा। तब तक लोगों को शिफ्टिंग कुछ आइडिया कितना अभी तक हो चुका? मेरे हिसाब से अभी शाम तक काम तो पूरा हो चुका है बिल्डिंग का, रात को या तो शिफ्टिंग देवे या तो सुबह दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इंजीनियर से भी बात हो चुका है। तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई TV। कैमरामैन नावेद कुरेशी के साथ अफजल शेख, मुंबई TV, मुमरा।